अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने सोमवार को इंदौर कलेक्टर कार्यालय के सामने मंच लगाकर हाथों में काले झंडे लेकर जंगी प्रदर्शन किया। इस दौरान रिक्शा चालकों ने पुलिस प्रशासन व आरडीओ पर भी कई तरह के गंभीर सवाल उठाए। इंदौर शहर में बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा के पहिए थम गए। दरअसल ओला, उबर, रेपिडो, जुगनू व इन जैसी ऑनलाइन कंपनियों व यातायात पुलिस आरटीओ के खिलाफ ऑटो रिक्शा चालक महासंघ द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। रिक्शा चालक महासंघ के अध्यक्ष राजेश बिड़कर के मुताबिक वे पिछले लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी क्रम में आज महासंघ द्वारा घोषित प्रदर्शन कलेक्टर कार्यालय के सामने मंच लगाकर किया गया। वहीं रिक्शा चालकों द्वारा संयुक्त रूप से ज्ञापन कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम दिया जाएगा, जिसमें प्राइवेट कंपनी ओला, उबर, जुगनू व अन्य ऑनलाइन गाड़ियों को लेकर प्रतिबंध करने की मांग की जा रही है। बिड़कर के मुताबिक आज सिर्फ स्कूल ऑटो रिक्शा वालों ने प्रदर्शन किया है, यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर आंदोलन करके प्रदर्शन किया जाए।